दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी। कोरोना पॉजिटिव मरीज को गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस सुविधा मुफ्त मिलेगी, साथ ही आपदा के समय भी एम्बुलेंस मुफ्त ही उपलब्ध रहेगी। केयर फॉर यू हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर आदर्श भार्गव ने कहा कि जून महीने के पहले सप्ताह में मंडी में एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। एम्बुलेंस में वेंटिलेटर डिफिब्रिलेटर सहित क्रिटिकल केयर अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल केयर 24 घंटे ऑक्सीजन क्रिटिकल केयर के उपकरण मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए किफायती दामों पर एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। सिंपल एम्बुलेंस होती है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन की सुविधा रहती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। एडवांस कार्डियोवास्कुलर एम्बुलेंस है, इसमें आपके पास वेंटिलेटर रहता है और लगभग वेंटिलेटर के साथ हम लगभग 24 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप रहता है कि हम एक कोने से दूसरे कोने तक मरीज को ऑक्सीजन पे ले सकते हैं। दूसरा इसमें रहता है डिफिब्रिलेटर, जिसे हमने देखते हैं कि आईसीयू में जब इंसान की हृदय गति बिल्कुल बंद होती है, हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, वो भी इसी एम्बुलेंस में रहेगा। इसमें हमारे पास कार्डिक मॉनिटर रहते हैं, जिसमें 5 पैरास तक हम कर सकते हैं, जिसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सब भी इसी एम्बुलेंस में रहेगा। इस एम्बुलेंस में हमारे जो इन्फ्यूजन पंप रहते हैं, जिससे वाइटल ड्रग्स, जो एमरजेंसी ड्रग्स की रेगुलर सप्लाई जब पेशेंट क्रिटिकल पेशेंट को देनी होती है, वो भी हम इसमें वो सुविधाएँ रहती हैं। प्लस इसमें जो सबसे बड़ा है कि एम्बुलेंस जब भी मूव करती है तो हमारे पास ट्रेन स्टाफ इनके साथ हमेशा अकोमोडेट रहता है। ट्रेन स्टाफ से मेरा मतलब है वो स्टाफ जिनको एडवांस कार्डियोलॉजी सपोर्ट जिस जो ट्रेनिंग रहती है, जिसमें हम ना वाइटल पेशेंट एक जो CPR वाइटल ड्रग्स डिलीवर करते हैं, पूरी उनको एसलेस ट्रेन पर्सन होते हैं, उनको ये वो हर क्रिटिकल पेशेंट को मैनेज करना चाहते हैं। अगली बात है सर, ये एम्बुलेंस, इस एम्बुलेंस की जरूरत किन लोगों को पड़ेगी? हमारे पास जिनके वो ट्यूमर बना है उनके पेशेंट हो गए, जिनको यानी हम अति यानी कि क्रिटिकल पेशेंटों की फोन करते हैं, ना कि सिंपल क्रिटिकल पेशेंट, तो ये एम्बुलेंस उनके लिए ही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।